क्या है, डबल इंजन कहते तो हटवार इंजन की सरकार चलेगी। लज्जा नहीं लगता है कि कन्विक्टेड आदमी जो चुनाव नहीं लड़ सकता उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और क्राइम पर तो हम दे रहे हैं। आइए, जब मर्जी करे, जहां मर्जी करे, स्थान आप तय करिए, बहस करने को तैयार हैं, अपना अपना गांव को भी जोड़ लेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की टीम इन दिनों पटना में है, और पटना में या कहें कि पूरे बिहार में एक मसला जो खास तौर से चर्चा में है लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन से, संपत्ति को लेकर के, उनको लेकर के लगातार जदयू की ओर से हमले जारी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नीरज कुमार। सर, ये अगर संपत्ति का ही मामला है तो आप ही लोगों ने उनकी पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज़ किया ना, मतलब आप लोग उनके साथ आए तो उनकी पॉलिटिक्स फिर से एक बार पनप उठी, तो फिर आप लोग आरोप प्रत्यारोप आपस में ही बॉल पास कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को लिजिटिमाइज तब न किया जाता है जब आपके भ्रष्ट आचरण को हम संरक्षण देंगे। तो बिहार ने देखा ना कि करप्शन का चार्ज लगा तो हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अल्ट्रासाउंड तो कोई किए हुए नहीं है किसी व्यक्ति का कि अल्ट्रासाउंड करके देख ले कि भाई इनके अंदर में क्या है। तो ज्यों ही सूचना मिलती है तो आरोप प्रत्यारोप कहाँ है, ये तो आरोप केवल है, तो जुबान ही बंद है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये सच क्या है, यही तो हम चाहते हैं कि आप बताइए तो तरुण कुमार यादव कौन है, वो इज तरुण कुमार यादव, सन ऑफ लालू प्रसाद यादव, ये तो बताना चाहिए इनको। जब आप पॉलिटिक्स में इस बात की चर्चा कर रहे हैं, भाई हम लोगों ने 2015 में किस पर कमिटमेंट किया लिया था, 7 कमिटमेंट पर, वो बदल गया क्या? करप्शन पर 0 टॉलरेंस बदल गया क्या? क्राइम पर 0 टॉलरेंस बदल गया क्या? हमने तो एलआई पार्टनर नहीं देखा इस सवाल पर। अगर और यह भी महत्वपूर्ण है कि देश में उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी पहले नेता होंगे जो अपने अलायंस पार्टनर जो बड़ी पार्टी थी उसके विधायक पर आरोप लगा तो उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ है, जेल जाइए। हम लोगों ने बचाया नहीं है किसी को। अब अपना गवर्नमेंट हमने दाव पर लगा दिया, हम कहा कि नहीं, क्राइम से कोई समझौता हम नहीं करेंगे, करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे। और किस बात का मैंडेट मैं पूछना चाहता हूँ, 7 कमिटमेंट का मैंडेट था, वो बदल गया क्या? वो तो नहीं बदला। और 2015 में जितना जेडीयू को वोट आया उससे ज़्यादा आया 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो भाई किसको मैंडेट कहते हैं? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, क्या इस असेंबली को डिसॉल्व करने के पक्षधर थे? कोई नहीं पक्षधर थे, तो सरकार तो बननी थी, सरकार बनी और सरकार अपने कार्यक्रम पर चल रही है। मजदूरों के लिहाज से मजदूरों का मसला ऐसा लगता है कि आप लोग के गले की फांस बन गया है, क्योंकि इस तरीके से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि उनको आने की ज़रूरत नहीं या हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद किसी तरीके से आप लोगों ने उसको मैनेज किया, उसके बाद भी एक चिट्ठी आई जो चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है, उसको लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष आप लोगों पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे उस चिट्ठी? समझ, गले का फांस किस बात का? मैंने कानून का अनुपालन करना गले का फांस है। मैंने मिनिस्टर जो आपदा अधिनियम का था उसके तहत तयशुदा प्रावधान था कि लॉकडाउन में जहाँ है वहाँ रहना है, तो उसका अनुपालन की बात अगर हम कर रहे हैं कि नियम यह कहता है वहीं रहिए, तो गले का फांस हो गया क्या? लॉकडाउन के नियमों में बदलाव अगर हमने अनुरोध पर हुआ, ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित हुआ, तो गले का फांस बन गया। और हम तो ये कहते कि COVID-19 अगर 2005 के पहले होता तो क्या ये देश के विभिन्न राज्यों में जो श्रमिक थे वो आते बिहार? क्या वो अपने आप को सेफ महसूस करते? क्या उनके वेलफेयर के लिए जितने स्कीम बिहार में चलाए गए, या देश के दूसरे राज्यों का भी उदाहरण लोग देख लें कि बिहार ने उस दिशा में कौन सा काम किया है? और सवाल इस बात का है ना कि भाई ये हमारे हैं, वो माइग्रेंट नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और ये सवाल इसलिए पेश हो गया कि देश के अंदर में यह तय हो गया कि अब स्टेक होल्डर हम हैं भाई, तो दूसरे स्टेट में उस राज्य की इकोनॉमी में हमारा योगदान है, और आपदा के समय ये क्यों मामला आएगा? क्या हुआ है मुंबई के अंदर में, क्या हुआ राजस्थान के अंदर में? हमारे कोटा में बच्चों ने 5 लाख रुपया पर बच्चों का फी लेता है, एक महीना उन बच्चों को नहीं रख सकता था वो? ये कितना बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है। सवाल इस बात का है कि बिहार के बदौलत देश के दूसरे राज्य की है, और जब संकट में आया हमारा बिहार का नागरिक तो आपने उसको छोड़ दिया, ये तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये स्टेट ही कोऑर्डिनेट कर दिए ना अपने स्तर पर, राज्य सरकार अलग राज्य सरकार। बिल्कुल, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने में नियमों में बदलाव किया, नोडल अफसर की नियुक्ति किया, तो हम लोगों ने नोडल अफसर बनाया जिनका काम था कोऑर्डिनेट करना,
उसके बाद जो चिट्ठी जारी हुई वह गलती से त्रुटि बस वह भूल बस इसको सार्वजनिक रूप से पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार भी किया। और वो और देश का कौन मुख्यमंत्री है जिन्होंने सीधा सेंटर पर बात किया, क्वारंटाइन सेंटर पर, कहा कि आप रहना चाहते हैं तो आप रहिए, हमारे लिए इससे बड़ी पूंजी क्या होगी। और ये दशा बिहार में, आज घर घर में बिजली है, अगर नहीं रहता तो लॉकडाउन सफल हो जाता। अगर गांव के अंदर में पीस और हारमोनी नहीं रहता, मैस्केयर का दौर रहता, सोशल टेंशन रहता, तो क्या ये लोग आना पसंद करते? क्या रात के 12 बजे लोग ट्रेन से अगर आ रहे थे माइग्रेंट हमारे श्रमिक, क्या वो श्रमिक अरवल जहानाबाद के इलाके में उस समय के दौर में जा पाते? अरे भाई, ये बिहार का जो अचीवमेंट है ये उसी के बदौलत आज के डेट में वैसे लोग आए, और हम समझते कि हमारी ये पूंजी है, कैपिटल हमारे हैं, और अगर वो रहना चाहेंगे तो उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था हम लोग करने को तैयार हैं। आपकी भी जो बातें हैं लगातार हम लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं, नीतीश कुमार की भी, आप अभी भी आप लोग 15 साल शासन करने के धीरे धीरे नज़दीक जा रहे हैं, उसके बावजूद अभी भी पति पत्नी की ही सरकार पर आप लोग लगातार हमलावर रहते हैं। क्या कहा जाए, 55 साल भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के राज भी 55 साल किया है, तो हम तो लगातार बोलते हैं कि भाई अपने अपने पैटर्नल गांव में क्या किया आप लोगों ने, यही बता दीजिए, बहुत बिहार पर विकास पर मत जाइए, अपने बिहार और उस समय के सेंसस के आधार पर, मैं आज के सेंसस पर नहीं कर रहा हूँ 2011 के, उस समय जब आपको राज करने का मौका मिला तो आपके गांव में कितने घर में बिजली थी? बिहार और झारखंड एक था, गुनाह कबूल करिए, कोयला आपके पास था, आप लोगों ने नहीं किया। आप यह बताइए कि रोड कनेक्टिविटी में क्या स्थिति थी, ड्रिंकिंग पावर का क्या स्थिति था, स्कूल में डिफरेंट सोशल कैटेगरी के अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या किया, उनको क्या स्कॉलरशिप दिया, ये बताइएगा ना, ये तो बताना पड़ेगा कि आपका रोड मैप क्या है डेवलपमेंट का। इसलिए बिहार ने, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब यह कहते हैं लोग कि विकास नहीं हुआ है, तो हम उसका मानक मानते हैं यूनिट है विलेज, अपने अपने विलेज पैटर्नल विलेज का आप डाटा दे दीजिए, हम डाटा देने को तैयार हैं। PDS का एक मसला लगातार लॉकडाउन में था, अभी तक बहुत सारे मैक्सिमम पॉपुलेशन कह सकते हैं जिनके थाली में दाल नहीं पहुंची, आप मोकामा से राजनीति करते हैं, मोकामा टाल का एक बड़ा मसला, सरकार नहीं करती है, नेफेड से बात हुई और दाल अब पहुंचना शुरू हो गया है, दाल मोकामा के इलाके को अगर दाल के तो अलग है, वो आ जा रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, पहले दाल के बारे में जाइए। PDS के दुकान में दाल के लिए नेफेड से सरकार ने वार्ता किया और वह दाल अब पहुंचना शुरू हो गया, दाल लोगों को PDS के दुकान में जो सरकार ने कमिटमेंट किया उसको पूरा किया। अब मोकामा टाल, चलिए मोकामा टाल एक बड़ी योजना है, और मोकामा में मोकामा बढ़िया टाल योजना, ये एक बड़ा स्कीम है, और स्कीम के तहत ही हालात ये थे मोकामा टाल के, गवर्नेंस का यह बदतर स्थिति था कि दिन में भी किसान नहीं जा पाते थे वहाँ, आज लोग खेती करने लगे हैं, और खेती जब आप टाल के इलाके में जाएंगे तो टाल के जो गांव हैं जो ऊंचाई पर बसे हुए हैं वहाँ दो खेती हो रही है, दो फसल की खेती हो रही है, ये हमारी उपलब्धि है। थर्ड, जो पल्सेज हमारे यहाँ पैदा होते हैं, चूँकि ये प्राकृतिक आपदा भी झेलते हैं हम लोग का पानी का कभी प्रवेश हो गया, पानी का स्तर घट गया, तो लोग खेती भी कर रहे हैं, लोग अपने जीवन यापन के लिए जो वहाँ और कर सकते वो भी कर रहे हैं। सड़क की कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ 12-12 किलोमीटर 18 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे, सड़क भी बनी, बिजली पहुँच गया, अब हर खेत तक बिजली भी पहुँचा रहे हैं, और इरिगेशन का भी काम किया गया, वहाँ चेक डैम बनवाया गया, वहाँ स्लुइस गेट बनवा भी, इरिगेशन का काम चल भी रहा है। अब है कि पल्सेस के रेट का यह एक सवाल दरपेश है, चूँकि राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार होता है, और आज के डेट में जो सरकार का समर्थन मूल्य उससे ज़्यादा किसान को मूल्य मिल रहा है, हम खुद किसान हैं, हम खुद खेती करते हैं, तो स्वाभाविक है एक अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो अपेक्षाएं तो शांति व्यवस्था हमने किया, विद्युतीकरण का काम हमने किया, टाल क्षेत्र में सड़कों का जाल हमने स्थापित किया, तो इस काम को भी हम लोग करेंगे। आपसे एक जिक्र मैं करता चलूँ, अभी हम मधुबनी और दरभंगा के इलाके में थे, एक जगह है कलवाही, वहाँ से बांसोपट्टी, वो सड़क बहुत ख़राब है, आपके संज्ञान में ला देते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से भी। साथ ही साथ कल हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं RJD के, उनसे बातचीत करने गए थे, तो वो जो आपके रिजिम में बढ़ते ग्राफ को लेकर के खासे हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जो जदयू और BJP या डबल इंजन की जो सरकार है उसमें क्राइम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है,
तब उनको शेल्टर होम का मसला क्या क्या है शेल्टर होम? बलात्कारी विधायक को पार्टी के अंदर रखे हुए हैं, लज्जा नहीं लगता है बोलने में? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसने किया था सोशल स्टडीज? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से किसने सर्वे करवाया था? आरजेडी ने करवाया था। और जब हमको जानकारी मिली तो FIR किया, और देश की संभवतः पहली सरकार थी कि हम हाईकोर्ट गए, सरकार गई कि हाईकोर्ट मॉनिटर करे इस केस का, कहीं कोई बचाने वाला नहीं है। इन लोग का संस्कार है बचाने का, और क्राइम पर क्या है, डबल इंजन कहते तो हटवार इंजन की सरकार चलेगी? लज्जा नहीं लगता कि कन्विक्टेड आदमी जो चुनाव नहीं लड़ सकता उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और क्राइम पर तो हम दे रहे हैं। आइए, जब मर्जी करे, जहां मर्जी करे, स्थान आप तय करिए, बहस करने को तैयार हैं। अपना अपना गांव को भी जोड़ लेंगे, जो भी बोलते उनके गांव का आंकड़ा देंगे, उनके गांव में क्या स्थिति थी। कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा रहे हैं, क्या होता था? FIR होता था क्या? कागज रहता था थाना में? गाड़ी थी थाना में? हथियार पुलिसकर्मी के पास रहते थे? कितने नक्सल आंदोलन होते थे यहाँ? आज क्या हालात है? नहीं तो भाई, बिहार के कहाँ से कहाँ पहुँचे? जरा नेशनल कंपेरिजन करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है ना, बिहार के माइंड सेट में क्या बैठा है? कुछ लोग के माइंड सेट में बैठ गया है कि छू मंतर कर दें। भाई आप कल्पना करिए ना, हर घर बिजली कैसे पहुँचा दिया, कैसे बेटी को साइकिल दे दिया, कैसे 8,464 करोड़ रुपया इस कोविड के दौर में राज्य सरकार ने खर्च किया, या देश के दूसरे राज्यों का भी आंकड़ा निकाल करके लोगों को देखना चाहिए, और तब विश्लेषण सही मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। लड़ाई आंकड़ों की होगी, पिछली सरकार बनाम वर्तमान सरकार से बातचीत होगी। द बिहार मेल के लिए मैं रजत के साथ विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।